ट से होके गुजरता है बिल्कुल सही है चाहे बच्चा हो बड़ा हो हम लोग हो हम सबको टेस्टी खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है इससे पहले कि मैं आपके साथ 15 नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करूँ ये टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ आपके बच्चे तो उंगलियाँ चाटते ही रह जाएंगे कुल्चे को मैंने सेक लिया है एक साइड से और इस पर मैंने सॉस केचप लगा दी है बड़ों के लिए बना रहे हो तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो फ्रेश और उसके बाद पनीर की भुर्जी इसमें फिलिंग कर दो और सेक लो कट करके सर्व करो ट्रस्ट वी इतनी टेस्टी सिंपल रेसिपी है ना ये बन हो जाएगी, बस पनीर भुर्जी आपको बना के रखनी है चलो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं नमस्कार दोस्तों मैं रति स्वागत करती आपका हूं आपका होम ट्वीट चैनल पे जहां हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की होम ट्वीट की जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं तो चलिए आज आपके साथ पंद्रह ऐसे जीनियस होम हैक्स घर और किचन से रिलेटेड शेयर करती हूँ तो जी इस टेस्टी नाश्ते के साथ अब तो मैं किचन में ही हूँ तो किचन की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तरीके के, के केक नाइफ्स हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अगर आपने डी नहीं करें एक यूज़ इसका इस तरीके से ऑयल फिलिंग में कर सकते हो जब हम बॉटल फिल कर रहे होते हैं ट्रिक ये है कि आपको अपनी जो केक नाइफ है वो स्ट्रेट ना के थोड़ी सी स्लान रखनी है ताकि जो ऑयल है उसको नीचे पैसेज मिल सके बॉटल में अंदर जाने का अब आपके पास अगर केक नाइफ नहीं है आप इस तरह की बिग टेबल स्पून भी ले सकते हो ट्रिक अगेन टेबल स्पून के साथ यही है कि आपको उसको स्लान्ट रखना है इवन अगर आप ऊंचाई से भी तेल डाल रहे हो तब भी वो बॉटल में ही जाएगा बाहर नहीं गिरेगा ये किचन टिप ट्राई करना और मुझे बताना कि आपके लिए वर्क करी नहीं करी मेरे लिए ऑल द टाइम वर्क करती है फनल कभी कभी मेरा मिसप्लेस हो जाता है मुझे नहीं मिलता तो मैं यही ट्रिक अप्लाई करती हूँ ये नोजल्स जो हैं स्टेनलेस स्टील के हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा चेक कर लेना अगर लेना चाह रहे हो यूनिवर्सल है किसी भी बॉटल पर फिट हो जाएंगे आज की दूसरी किचन टिप है लेबलिंग को लेके हर वीडियो में हर डेली रूटीन में वीकली रूटीन में मैं आपको बोलती हूँ अपनी किचन में लेबल करके रखो अगर इस तरीके की टेप्स हैं आपके पास पेपर टेप्स उनका अगर एंड आपको नहीं मिलता है छोटी सी टेप्स कट करके उसके एंड पे लगा दो हर बारी वही जो कट पीस है आप टेप की एंड पे लगा दो जो खुला सिरा है नेक्स्ट टाइम आपको वो टेप ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि मुझे कहाँ से खोलनी है इस तरीके से आप इस व्हाइट पेपर टेप को एज अ लेबल भी यूज़ कर सकते हो एक छोटी सी स्ट्रिप काट के आप एज अ बॉटल पे या किसी भी जार पे लेबलिंग कर सकते हो जैसे कि मैंने तेल की बॉटल पे किया है अगली जो हमारी किचन टिप है किचन से ही रिलेटेड है और इस तरीके के जो सिलिकॉन के जेल पाउचेस हमारे पास आते हैं किसी भी चीज़ में आ जाते हैं चाहे हमने पर्स लिया है कपड़े लिए हैं शूज़ लिए हैं या कोई भी चीज़ ली है तो ये हम मोस्टली फेंक देते हैं बट ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करते हैं तो आपके जो किचन जार्स हैं जिनमें आप मसाले या बहुत सारी दालें वाले भी स्टोर करते हो उनमें आप एज अ मॉइस्चर ऑब्जॉर्बेंट इनको यूज़ कर सकते हो डबल साइड टेप यूज़ करके तो ढक्कन पे मैंने डबल साइड टेप लगा दी है और उसके ऊपर मैंने ये एक सिलिकॉन जेल का सैशे लगा दिया है ये आपका बॉटल में गिरेगा भी नहीं आप इनको दालों में यूज़ कर सकते हो मसालों में यूज़ कर सकते हो कांच की बॉटल पर यूज़ कर सकते हो प्लास्टिक पर यूज़ कर सकते हो बस जो आपकी डबल साइड टेप है वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए तब आपका ये सिलिकॉन तो जेल का सैशे अंदर मसालों में या डब्बे में नहीं गिरेगा ये एक्चुअली मसालों में या खाने की चीज़ में मिक्स नहीं होना चाहिए तो इसीलिए इसको सिर्फ़ आप ढक्कन पे यूज़ करो और जब आपको जार धोना है तब आप इस तरीके से अपना सिलिकॉन जेल निकाल दो डबल टेप के साथ और किसी और डब्बे में उसको डाल के अलग करके रख दो जब आपका जार धुल जाए तब आप उसको रिपीट सेम प्रोसेस कर दो आपकी डबल साइड टेप ख़राब नहीं होगी री हो जाएगी आपको बार बार टेप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है रेंट के घरों में हम ज्यादा ड्रिलिंग तो कर नहीं सकते हैं तो अपने और और रीयूज तो नहीं कर पाते हैं एक ट्रिक है कि आप उनको पतली सी नेल से दीवार में ठोक दो या कहीं पर भी ठोक दो अदरवाइज आप इस तरीके की टेप एक और डबल टेप यूज कर सकते हो री कर बट इन इनपे आप ज्यादा वेट नहीं डाल सकते हो हल्की हल्की चीजें आप हैंग हैं सकते हो अगला जो हमारा जी होम हैक है है वो है इस खाली साबुन के पैकेट के के साथ तो ये जो साबुन पैकेट होते हैं इनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है आप इनको एज अ एयर फ्रेशनर नो कॉस्ट एयर फ्रेशनर यूज़ कर सकते हो अपने ड्रॉर्स में डाल सकते हो अपने कबर्ड्स में डाल सकते हो किसी भी ऐसी जगह जहाँ आपको हल्की हल्की धीमी खुशबू चाहिए बिकॉज साबुन की खुशबू बहुत अच्छी होती है और पेयर्स की तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है जो भी साबुन यूज़ कर रहे हो आप उसको आप उसका रैपर एज अ नो कॉस्ट एयर फ्रेशनर यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी चाहे वो आपको अपने कपड़े के ऑर्गेनाइजर में डालना है या कबड़ में डालना है आपके ड्रॉर में बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाएगी और जब आपको ड्रॉर अरेंज करना हो ना इस तरीके के छोटे छोटे पैक्स मत ड्रॉर की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको स्पेशल कोई एक ऑर्गेनाइजर खरीदना नहीं पड़ेगा नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आपके घर में हो जाएगी यार मैंने ना डाइट प्लान ले लिया है बिकॉज़ मैंने वेट अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और मेरे से खुद से वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था तो शाम हो गई और आज मैं अर्ली डिनर कर रही हूँ उसके लिए मैंने बनाया है वेजिटेबल दलिया साथ में चाय ले रही हूँ थोड़ी सी थोड़ी तो थो नहीं है बहुत है बिकॉज यार थक गई सुबह से काम कर करके और देखते हैं वेट में क्या होता है आपके साथ सारे अपडेट शेयर करती चलूँगी और अगर रिज़ल्ट मुझे मिले तो जो डाइटिशन है उसका नंबर भी शेयर कर दूँगी बहुत ही सस्ते में काम हो रहा है कोई दवाइयाँ नहीं बस होम डाइट डब्बे हम लोगों के घरों में होते ही हैं चाहे वो शर्ट के डब्बे हों या मेकअप प्रोडक्ट्स के डब्बे हों इन डब्बों का बहुत अच्छा इनोवेटिव यूज कर सकते हो अपने ड्रेसिंग टेबल को अरेंज करने के लिए वैनिटी कैसे अरेंज कर सकते हो सो इस तरीके का मैंने एक और कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है जो कि मैं एज अ बेस यूज़ करने वाली हूँ इस डब्बे का इसी के साइज़ का मैंने इसको कट कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है अभी आपको तो पता है मुझे शिफ्टिंग करनी है तो उसी हिसाब से मैं सारी सेटिंग अप कर रही हूँ और साथ में अब मैं, मैं यूज़ कर रही हूँ टॉयलेट रोल जो कि खाली हो चुके हैं और इनको मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस बेस पे चिपका दिया है और ये बन के प्यार हो गया मेरा ब्रेसलेट ऑर्गेनाइज़र उस डब्बे को मैंने छोटे डब्बे में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि ब्रेसलेट्स मेरे पास ज़्यादा नहीं थे और चूड़ियाँ और ब्रेसलेट का मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइज़र बनाना था ये डब्बा मैं स्ट्रेट अवे अपनी वैनिटी में ऐसे ही स्टोर करके रख सकती हूँ और मैंने इसको लेबल कर दिया है कि जितने भी ब्रेसलेट्स हैं मेरे सारे इसी में हैं जैसे कि ये ब्रेसलेट सिर्फ मैं बीच वेकेशन पर पहनती हूँ और कभी नहीं पहनती सो उस तरीके के कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो कि साल में दो साल में एक बार ही निकलेंगे शेल्स वाले ब्रेसलेट हो गए एंकलेट्स हो गए अब ये राइन की चेन मेरे पास पड़ी है जो कि कभी कभी किसी डेकोरेशन में या फिर कपड़ों पे जूतों पे काम आ जाती है सो so, इस तरीके की जो अनयूज और छोटी छोटी चीज़ें होती है ना बहुत ज्यादा खलेरा मचाती हैं अगर घर में आप इनको ढंग से ना स्टोर करके रखो ये वाला जो ट्रिक है ये जो टिप है ये आपके बहुत काम आने वाला है तो इस तरीके के डब्बे आप यूज कर सकते हो अपने ब्रेसलेट्स और चूड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसमें आप अपनी डेली वेयर की चूड़ियाँ भी डाल सकते हो अगर आप कड़े यूज़ करते हो कुछ वो भी आप स्टोर कर सकते हो जैसे कि अब मेरे पास ये हैं कांच की बैंगल्स तो इस तरीके के जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं मेरे पास इस तरीके की फोम शीट थी और ये जो बड़े वाला डब्बा आप देख रहे थे पहले वाली वीडियो में उसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी कांच की बैंगल स्टोर करने के लिए तो इस तरीके का कुछ मैंने पार्टीशन क्रिएट कर लिया है फोम शीट्स से ही सो so, मैंने कुछ ये सिक्स का पार्टीशन क्रिएट किया है इस डब्बे के हिसाब से इसके साइज़ के हिसाब से और इसमें मैं अपने ग्लास बैंगल्स डालने वाली हूँ मेरी ग्लास बैंगल्स ज़्यादा यूज़ नहीं होती है ओकेजनली कभी साल में डेढ़ साल में एक बार ही यूज़ होती है जब कोई ओकेजन आता है अदरवाइज़ मेरी ग्लास बैंगल्स पड़ी ही रहती हैं मैं ज़्यादा वॉच पहनती हूँ हाथों में ज़्यादा कुछ पहनती नहीं हूँ तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं है कुछ ऐसी कलेक्शन है जो कि मल्टी यूज़ में आ जाए मिक्स एंड मैच करके तो वही चीज़ें मैंने रखी हुई हैं और इस डब्बे में सारी की सारी ग्लास बैंगल्स मेरी आ गई हैं जो कि मेरे पास है अभी इसी के साथ मेरी सारी बैंगल्स ऑर्गेनाइज हो गई है जिसके लिए मैंने कुछ खरीदा भी नहीं बिल्कुल नो कॉस्ट डी होम ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके का डी ऑर्गेनाइजर आप भी अपने घर में बना सकते हो बैंगल्स जो हर जगह हमारी रुलती रहती है ना और बहुत सारा स्पेस लेती हैं वो कॉम्पैक्ट करके एक ही जगह में आ जाएंगी आपके ड्रेसिंग टेबल में जिससे कि आपका ड्रेसिंग टेबल ज़्यादा क्लटर्ड नहीं लगेगा अब ये जो चूड़ियों के डब्बे खाली हुए हैं आपको क्या लग रहा है मैं इनको फेंकने वाली हूँ बिल्कुल भी नहीं बहुत सुंदर एक डी आई वाई अगेन नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाला है बाई द वे अभी तक अगर आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ये ज़रूर बताना कॉमेंट करके इन सब पंद्रह डी आई वाई होम हैक्स में से आपको कौन सा होम हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया इसको मैंने कवर करके रख दिया कि शिफ्टिंग में, में मेरी बैंगल्स टूटे ना और डब्बा ऐसे का ऐसा पैक ही मेरे नए घर में पहुँचे और इसको मैंने लेबल भी कर दिया था बैंगल्स करके तो चलो अब ये जो हमारे एक्चुअली बैंगल के डब्बे खाली हुए हैं इनको देखते हैं तो सबसे पहले जो इनके कवर हैं कुछ साइड से टूट रहे थे तो मैंने एक साइड से इनको कट ही कर दिया है जो टूट रहे थे और जो नहीं टूट रहे थे उनमें भी ऐसी एक साइड ढूंढ के मैंने इनको कट कर दिया है ये जो मैं नो कॉस्ट डी ऑर्गेनाइजर बनाने जा रही हूँ ये मैं अपने वर्क डेस्क के लिए बनाने जा रही हूँ जिसमें कि मैं अपनी बहुत सारी चीजें स्टोर कर पाऊँ तो इस तरीके का कुछ अभी लुक दे रहा है और डब्बों को अच्छे से सिक्योर करने के लिए मैंने वाइट पेपर टेप से इनको और ज्यादा कवर कर दिया है और कुछ इस तरीके के मैंने कार्डबोर्ड पीसेस कट करे हैं जिनसे कि एक मैं बॉक्स क्रिएट कर पाऊँ इन डब्बों के लिए अब कार्डबोर्ड कट करने के लिए ना इंच टेप वगैरह मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने जस्ट एक हाथ से डब्बे पकड़ के और नेक्स्ट कैंची पकड़ के इस तरीके से साइज लेके कट कर दिया बिल्कुल एग्जैक्ट साइज निकला तो आप भी ये एक छोटी सी टिप अपना सकते हो अगर आपने कुछ ऐसा करना है और ये है एक वॉल पेपर ये मंडाला आर्ट वॉल पेपर है और इसमें ग्लू ऑलरेडी है सेल्फ एडेसिव है तो एक्स्ट्रा आपको कोई ग्लू यूज करने की जरूरत नहीं है और इसको मैं यूज कर रही हूँ अपने डब्बों को कवर करने के लिए और जो मैंने एक बड़ा बॉक्स बनाया है इन डब्बों के लिए उसको कवर करने के लिए अब ये जो बन के निकलेगा ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है आप इसको अपने कबर्ड में यूज़ कर सकते हो अपने वर्क डेस्क पे यूज़ कर सकते हो अपनी किचन में यूज़ कर सकते हो बट हाँ पानी वाली जगह पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कार्डबोर्ड है और ये जो वॉल है मंडाला आर्ट का यार मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाला है आपको पता है कि मैंने अपने किचन के मेकओवर में भी मंडाला आर्ट यूज़ करी है और बहुत ढूंढ के वो मंडाला वॉल टाइल्स मैंने ढूंढ के निकाली थी जिनका लिंक किचन में गोवन में आपको मिल जाएगा और ये है बड़ा वाला बॉक्स जो मैंने क्रिएट किया था इसको मैं इस पेपर से पूरा कवर कर रही हूँ पेपर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है आप इसको गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हो अगर मिट्टी आ जाती है अब जो बैंगल बॉक्स है उनका जो ऊपर का लिड था उस पर मैंने हॉट ग्लू गन लगाई है नीचे के डब्बों पर नहीं लगाई है सिर्फ ढक्कनों पर मैंने हॉट ग्लू गन लगाई है और उनको मैंने इस बड़े से बॉक्स में अंदर डाल के एक ड्रॉर सिस्टम क्रिएट कर दिया है बस इसको अब मैं ऊपर टॉप से फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ और ये मेरा थ्री ड्रॉर सिस्टम एक क्रिएट हो गया है मेरे वर्क डेस्क के लिए जिसमें कि मैं अपने हार्ड ड्राइव्स अपनी एस अपने चार्जर्स केबल्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टोर कर सकती हूँ माइक के साथ साथ सो so, उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए मुझे एक ऐसा ड्रॉर सिस्टम चाहिए था एंड ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो so, मैंने अपना डी एक क्रिएट कर लिया है जो कि बिल्कुल नो no कॉस्ट है पैसे बच गए मेरे और मेरे को एक बहुत अच्छा एक ड्रॉर सिस्टम मिल गया इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज है बट हाँ इस बड़ी सी स्टोरेज का मैं प्रैक्टिकली यूज़ करती हूँ उसको क्लटर्ड नहीं करती हूँ क्लटर फ्री रखती हूँ और बस वही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे अपने काम में चाहिए बिकॉज़ काम में ना जब क्लटर आ जाए तो फिर काम भी नहीं हो पाता है और क्रिएटिव चीज़ों में तो वैसे ही नहीं हो पाता है बाई द वे इसके हैंडल्स के लिए मैंने जो परफ्यूम बॉटल्स के कैप होते हैं वो यूज़ किए हैं स्प्रे पेंट करके पहले सिल्वर कर लिया था और टॉप पर मैंने येलो पेंट हल्का सा डैप कर दिया है आप अपनी वायर्स जो हैं इस तरीके से क्लॉथ क्लिप में डाल के रख सकते हैं उलझती नहीं है और बहुत ईजिली स्टोर भी हो जाती है मैंने एक्स्ट्रा क्लॉथ क्लिप्स भी यहाँ पे रखे हैं बट वो क्लॉथ के लिए नहीं है वो है मेरी वायर्स अरेंज करने के लिए कोई भी केबल होती है चाहे वो एस की केबल है फोन की केबल है या किसी भी चीज की केबल है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगला जो हमारा होम हैक है वो है पुरानी बनियानों से लेके हम बच्चों को यूज कपड़े पहनाते हैं जब वो बॉर्न होते हैं राइट तो हम ये जो पुरानी बनियाने हैं ना इनका अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मैं तो पोछे में इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ किचन को साफ करने के लिए नहीं करने वाली हूँ इसको मैं अपने को साफ करने के लिए यूज कर रही हूँ तो मैंने इनको ब्यूटी वाइप्स मेकअप रिमूवर वाइप्स बना दिया है खाली डब्बे में कुछ पीसेस कट करके इसके ऊपर मैं मिसलर वाटर डाल के मेकअप रिमूव कर सकती हूँ अगर मैंने मेकअप रिमूविंग बाम फेस पे लगाई हुई है इससे रिमूव कर सकती हूँ डबल क्लेंसिंग कर सकती हूँ इन्हीं को यूज करके और काफी बड़े साइज के मैंने कट करे हैं तो एक ही जो मेकअप रिमूविंग वाइप है काफ़ी है मेरे लिए और इसके बाद मैं इसको फेंक देती हूँ रीयूजेबल भी हैं आप इनको वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हो बट जो बनियान है ना मेरे पास वो बहुत बड़ी है तो उसमें से बहुत सारे ऐसे मेकअप रिमूविंग वाइप्स निकल आएंगे जिसके लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अदरवाइज़ तो ये पुराने कपड़े जो हैं डस्टिंग और सफ़ाई में ही यूज़ होते हैं अपनी सफ़ाई भी थोड़ी कर ली जाए अच्छा सुनो आपने पंद्रह मिनट की वीडियो अभी तक देख ली है अभी तक आपने ये बताया नहीं कि आपको कौन सा नो कॉस्ट होम हैक पसंद आया अभी कमेंट करके बताओ तो अब जो नया होम हैक है वो है हमारा इस एम जो बेड की हमारी पैकेजिंग होती है उससे रिलेटेड अब इसके लिए हमें कुछ फॉइल पेपर्स चाहिए तो ये वो फॉइल पेपर्स हैं जो कि लंच में यूज़ होते हैं री यूज़ में उनका कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी मुझे फेंकने थे उनका मैं पहले री यूज़ कर रही हूँ और बाद में मैं थ्रो करूँगी तो इस तरीके से ऊपर नीचे रख के मैंने इसके ऊपर आयरन चला दी है गर्म है ये प्रेस ठंडी नहीं है इससे जो होगा प्लास्टिक हमारा साथ में चिपक जाएगा और अगर आपको दिक्कत हो रही है आप इस तरीके से टॉवल या कुछ मोटा कपड़ा आजू बाजू रख सकते हो ऊपर नीचे सो दैट आपके हाथ पे ना लगे या फिर जो प्लास्टिक है प्लास्टिक के ऊपर प्रेस डायरेक्टली ना लग जाए तो इस तरीके से आप देख रहे हो बिल्कुल सील पैक हो चुका है इवन आप अपने पल्सेस के पैकेट भी इस तरीके से सील पैक कर सकते हो मैंने ये बनाई है अपनी बेड साइड कैडी तो इसके लिए मुझे कुछ बहुत छोटी सी कैडी चाहिए थी बिकॉज जो मेरा बेड है वो उसमें नीचे बेड में स्टोरेज नहीं है मैंने नॉन स्टोरेज वाला बेड लिया है इस बारी तो आगे सारा आपको जो भी डिटेल्स है ना वो सब बताती चलूँगी आगे की वीडियोस में शिफ्टिंग की वीडियोस आएगी आएगी इसी के साथ मैंने एक दूसरा वर्जन भी बनाया है जिसमें मैंने इस तरीके का डब्बा यूज़ किया है और उसके ऊपर सेल्फ एडेसिव वॉल जो होता है वो पूरा अच्छे से कवर कर दिया है बेस के लिए मैंने एक, एक एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड पीस कट किया था सो so दैट नीचे से वो थिक हो जाए और उसमें मैं जो भी चीज़ डालूँ नीचे गिरे नहीं या फिर जो डब्बा है वो खुल ना जाए अभी आपको पंद्रह जीनियस होम हैक्स में से कौन सा होम हैक सबसे अच्छा लगा है एक तो कमेंट करके बताना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किस बात की देरी है फ्री सब्सक्रिप्शन है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो बहुत अच्छी सी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं हम हंड्रेड वीडियो, वीडियोज़ क्रॉस करने वाले हैं बहुत जल्दी आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी अच्छी रील्स और बहुत अच्छे आइडियाज़ जा रहे होते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ जा रहे होते हैं आपने अभी तक वो चेक नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जाके ज़रूर चेक करना और हाँ वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर दो या थैंक यू वेरी मच आपके एक एक सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोस आप तक पुश करने की मतलब आप मुझे पुश करते हो अपने इन छोटी छोटी चीज़ों से और मैं आपके साथ आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ शेयर करती हूँ तो ये है मेरा बेड सबसे पहले इसको संभाल लेते हैं और बेड अरेंज करने की चादर अरेंज करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अपनी एक वीडियो में अगर आपने अभी तक वो ट्रिक नहीं फॉलो करी है ना करो ये बेडशीट जो है एक हफ्ते से बिछी हुई है इस बार मुझे टाइम नहीं मिला इसको निकालने का और इसको मैंने दोबारा से अरेंज नहीं किया है पूरे दिन बेडशीट वैसे की वैसे ही रहती है और ये जो बेड साइड कैडी है देखो कितना सारा इसने सामान ले लिया नीचे लटकेगी भी नहीं हमारा कार्डबोर्ड भी यूज़ हो गया हाँ वो कार्डबोर्ड मैंने बेड की साइज का ही लिया था इस तरीके के आजकल वायर क्लिप्स आते हैं जो कि आपकी वायर्स को बहुत इजीली हाइड कर देते हैं अरेंज कर देते हैं आपकी वायर्स लटकी नहीं रहती हैं तो मैंने इस तरीके के क्लिप्स मंगवाए हैं इनका बहुत मल्टीपल यूज़ है आगे आगे आपके साथ वीडियोस में शेयर करती चलूँगी और ये जो वायर ऑर्गेनाइज़र uh, है ना यार मस्त है बिल्कुल नो कॉस्ट तो नहीं बोलूँगी बट बहुत चीप में आपको मिल जाते हैं और देखो वायर क्लटर्ड बिल्कुल नहीं लग रही है अपनी ही स्पेस पे मैं इसको बेड साइड कैडी में भी डाल सकती हूँ या फिर इस तरीके से दीवार पे हैंग भी कर सकती हूँ आप इसको बेड की बैक पे भी अरेंज कर सकते हो अगर आपको चाहिए और इसको मैं खींच सकती हूँ बाहर निकाल सकती हूँ अंदर डाल सकती हूँ तार कहीं भी इधर उधर रुलती हुई दिखती नहीं सो मैं पावर हाउसेज आज का वीडियो आज के जीनियस होम हैक्स आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करके बताना आपको कौन सा होम हैक कौन सा नो कॉस्ट डी आई ऑर्गेनाइजर होम ऑर्गेनाइजेशन टिप आपको अच्छी लगी है और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस और आपको उस पावर को बरकरार रखना है अपना बहुत सारा ख्याल रखना